मेरी फीलिंग तो यही है कि आगे भी इंडिया ही विन करेगी, बिकॉज ऐसा फील हो रहा है कि मोदी ने सबको पैसा दिया हुआ है। क्या बात कर रही हो, इतने ज्यादा पैसे कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं, मोदी है, वो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हो ना? तो आई थिंक अभी तक वो जीते ही आएंगे। लेकिन उनके खिलाड़ी विराट कोहली देख ले, मोहम्मद सिराज देख ले, इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी, उनकी भी तो मेहनत होगी ना? होगी, बट पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट आज के दौर में, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि मोदी ने पैसा दिया हुआ है। अच्छा, जब हमारी टीम हारती है तो इसका मतलब है हमने भी पैसे लिए? नहीं। फ्रीके हमने नहीं, अब तो हमारा लक होता है कि बस वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो कभी भी अच्छा बुरा टाइम तो चलता ही रहता है। तो क्या पता आजकल जो लक है वो इंडिया के साथ चल रही हो। इंडिया ने साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी टीम को 84 पे बुक कर दिया, वाइट वॉश कर दिया, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा ये सट्टेबाजी है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अच्छा, क्या कैसे सट्टेबाजी? कैसे? क्या आप श्रीलंका का मैच देखा आपने? हाँ। वो 55 पे बुक हो गई। हाँ। तुमसे ना हो पाएगा। और साउथ अफ्रीका कोई मामूली टीम नहीं है। हाँ, बड़ी अच्छी टीम है, सेकंड रैंक पे आ रही है। हाँ। और ये 84 पे आउट हो गई है। हाँ। ये तो मैच फिक्सिंग का हाँ। मामला लग रहा है। नहीं। मैच फिक्सिंग का। अच्छा, हम देखते हैं इंडियन ग्राउंड में कोई सी भी टीम उतर आए भाई, वो नहीं जीत सकती इंडिया से। नहीं, इंडिया कोई मैच हारी नहीं है इस वक्त अभी तक। हाँ। तो इसमें तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया ने ये कप खरीद लिया है। कितने में खरीदा होगा ये नहीं कुछ कह सकते। नहीं नहीं, आप ये बात, चलो ये तो मजाक की बात है, लेकिन मेहनत भी तो है। देखिए, इतने अच्छे अच्छे बैट्समैन तो उनके पास, इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। योर क्वेश्चन, माय क्वेश्चन। एक टीम ऐसी है जिसने अब तक कोई मैच नहीं हारा, जाहिर है इंडिया ही है। या या या। और अपना पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा खेलेगा। चल बजड़ी के, गेम तो बाई चांस है, लेकिन जिस तरह इंडिया मैच जीत रही है इससे कोई और ही मामला लगता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 8 matches, 8 wins, क्या कहेंगे? उनकी फॉर्म लगी हुई है बहुत अच्छी, उनकी अपने ग्राउंड हैं, उनको अपने हिसाब से चलते हैं, वो उनको अपने ग्राउंडों का सब पता है। अच्छा। हाँ, वो सट्टा उनपे ज्यादा लगता है, वो अपने हिसाब से फिर खेलते हैं उसी तरह। तो क्या आगे जो थोड़े से मैच बचे हैं, क्या इंडिया को कोई हरा पाएगा? इंडिया के आगे टक्कर होगी सेमीफाइनल में। अच्छा। हाँ, तो वो देखेंगे अब क्या बनता है उसका। आज साउथ अफ्रीका के साथ क्या किया इंडिया ने? बहरहाल बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ। उनको हराना बहुत मुश्किल लग रहा है। इंडिया को हराना, इंडिया को, उनके बॉलर बहुत फॉर्म में है जी। और उन्होंने तो भाई दावा कर दिया है ना कि हमारे तो कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ, दावा किया है। हाँ। और पूरा भी उतर रहे हैं। पूरा भी उतर रहे हैं। कोई कोई मैच ही नहीं हारे ना। मैच ही नहीं हारे। हाँ। विराट कोहली बहुत फॉर्म में है। उनके सारे प्लेयर फॉर्म में, बॉलर्स फॉर्म में है और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आज जितेजा तो चला है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का अगर सामना इंडिया से होता है तो पाकिस्तान जीत पाएगा? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। हम तो कह रहे हैं शहीद है, फापर है, हम वापस जज्बा है। कोई भी है, बहुत मुश्किल है। नहीं, इनका जज्बा है, पाकिस्तान के प्लेयर अच्छे हैं। हाँ। इनका साथ मुकाबला हो सकता है, मुश्किल है। इंडिया के सामने क्यों नहीं खेल पाते हम? पता नहीं क्यों है ये, पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं कोई पीर फकीर पकड़ा हुआ इन्होंने। उन्होंने तो दावा कर दिया पहले ही कि हम तो इनके बाप हैं भाई सबके, उन्होंने पहले बोल दिया है। ये वो जो बाप बाप होता है वो वाली बात तो नहीं कर रहे यार। नहीं, ये तो भाई उन्होंने दावा भी करा है ना पहले।